अक्सर सवालों के घेरे में रहने वाले आईजीएमसी पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में सरकाघाट के 47 वर्षीय मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि इलाज के दौरान ऑफिस स्टाफ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। देखिए ये रिपोर्ट। वहीं मृतक के बेटे संजीव सिंह राणा का कहना है कि अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए अस्पताल प्रशासन के पास मशीन उपलब्ध नहीं थी, लेकिन ये जानकारी परिजनों को नहीं दी गई। सोमवार को अस्पताल प्रशासन के पास मशीन आई और बुधवार को ऑपरेशन के लिए कहा गया, लेकिन इससे पहले ही मरीज की मौत हो चुकी थी। इसके अलावा डॉक्टर द्वारा दुर्व्यवहार करने के आरोप भी लगाए गए। वहीं परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर अस्पताल के एमएस डॉक्टर जनकराज का कहना है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से मरीज के इलाज में कोई भी ढिलाई नहीं बरती गई। अस्पताल प्रशासन कोशिश करता है कि सभी को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। परिजनों से जो मौखिक शिकायत मिली है उसमें केवल दुर्व्यवहार की शिकायत है, लेकिन इलाज को लेकर परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि परिजनों की ओर से लिखित शिकायत मिलने पर अस्पताल प्रशासन की ओर से मामले की जांच करवाई जाएगी। कुछ देर पहले हमारे ध्यान में एक मामला आया कि कार्डियोलॉजी विभाग में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो जब हमने उस यथास्थिति को जानने के लिए वहाँ पहुँचे और उसके बाद हमने वहाँ पर स्टाफ मेंबर्स और मरीज के तीमारदारों से बात की, तो हम ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि इस तरह का कोई भी इशू नहीं है कि लापरवाही का कोई मामला है या किसी और चीज़ का कोई मामला है। केवल और केवल आपसी जो है वो दुर्व्यवहार, ऐसा इस तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों से एक दूसरे के प्रति लगाए गए हैं, जो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गैप ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। और ये मरीज जो हैं वो इलाज के दौरान इनको मतलब बहुत गंभीर समस्या इनको रही, इनका 90% से ज़्यादा जो मुख्य धमनी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो ब्लॉक थी। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो मरीज एक्सपेक्टेड रिजल्ट लेकर अस्पताल आते हैं, सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे या ठीक हो पाएंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मरीजों को वो वांछनीय परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी चिकित्सीय क्षमता से बाहर की चीज़ें होती हैं। जी, नाम संजय राणा, मैं सर मैं उनका सरसंग अभी उनकी एज सर 46 थी और पहली बार वो हॉस्पिटल में है। वो सर जब हम हॉस्पिटल आते हैं हार्ट की एंजियो कर रहे तो हम एक कोई 9-10 दिन हुए सर, तो उन्होंने कहा क्रिटिकल केस है स्टंट कर लेगा, तो बुधवार को सर, तो 10 दिन हो गए। जब क्रिटिकल केस था तो आप PGI या दिल्ली भेज देते हैं, ठीक है सर। अभी जाके डॉक्टर जनक सर के ऑफिस में हम बैठे थे करके, तो मारवा सर भी थे जिन्होंने ऑपरेट किए, तो मतलब उनका तो काफ़ी मतलब मिसबिहेव था करके, जब बात की ये करके तो हमें बोले जो मर्जी करना वो करो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जाके उधर ऑफिस में पता चला कि इसे एनजीओ को कोई एक मशीन होती है ऑफिस की ये करके, कि वही सर मंडे को।